नित दिन चोरी दियां लुट खो दियां वारदातां वधदियां जांदियां ने। कोई इन्हां चोरां लटेरियां नूं नकेल पैंदी नज़र नहीं आ रही, बेखौफ हो के घूम रहे ने। इस दा कारण नशा भी मन्निया जा सकदा है कि नशेड़ी जिहियां वारदातां नूं अंजाम दिंदे ने। ब्लाक माजरी अधीन खेत्र दे विच अजिहियां कई घटनावां सामने आउंदियां ने। इस समय मैं मौजूद हाँ अपने पिंड बजीदपुर विखे, जिथे कि पिछले दिनी एक परिवार जो अपनी बेटी नूं छड्डण लई एयरपोर्ट ते गया होया है, तां पिछे दरवाजे तोड़ के घर दे विच चोरी कर ली जांदी है। तो इस दे बारे हुण की कुछ अगे पता लगता है, तो पुलिस की छानबीन करती है, वह आपां उन्हां दे नाल बाद दे विच गलबात करांगे। आओ पहलां दिखाउने आ तुहानूं मौके वारदात। ये बिल्कुल जो फिरमी दा रस्ता लंघदा है तो रोड दे उत्ते घर है, ये दरवाज़ा है, बाहर उच्ची कंध भी है। हुण किवें उह अंदर जिहड़े लटेरे ने चोर ने अंदर किवें दाखल हुंदे ने, हो सकदा कि इत्थे कंध नूं टप्पे होण, जाके परिवार दा किवें दा नुकसान होया उह आके आपां सारी गलबात अंदर करदे हां। घर दे अंदर ये मेन दरवाज़ा है जिस नूं पुट के वह अंदर आए ने। सामने तुसीं देख सकते हो कि किवें सारा लॉक है जो तोड़ दिता गया है। बड़ा सौखा है कि इन्हां दे फिंगरप्रिंट लैके जां कॉल डंपिंग ते लगा के पता भी लगाया जा सकता है। ये कार्रवाई हुण अगे पुलिस दी है। ये किवें इत्थे आके जिवें देख सकते कि बारियां नाल दरवाज़ा पुट्टिया होया है, किवें आके महा उन्होंने इत्थे दरवाजे नूं इस नूं पहला तोड़ के अंदर गए ने। ये दरवाज़ा जी बारियां नाल तोड़िया गया, काफ़ी मजबूत दरवाज़ा है। बारियां या मतलब थोड़े थोड़े मार के उन्होंने आवाज़ भी आई होनी इदा, पर बहुत निडर चोर है जी, बहुत मजबूत दरवाज़ा उन्होंने लॉक जो दो डबल लॉक लगते हैं सारा कुछ तोड़ के फिर अंदर गए ने। जो किवें हुई घटना घर दे विच उदों कोई मौजूद नहीं सी? साढ़े जी मेरा ब्रदर दा घर है, वह ऑलरेडी बाहर रहिंदा, तो कल उन्होंने बेटी ने परसों 7 तरीक नूं सवेरे असीं जाणा था उन्होंने छड्डण वास्ते, असी सवेरे चले गए तो साढ़े पिछों जो असी कल आ के वापस आके देखा 8 तरीक नूं, तां इह भाणा वरत्या होया था जी, चोरी जो होनी थी होई होई दी, तो काफ़ी भन्न तोड़ की गई है, तो साडा कैश चक लिया। अच्छा, जो पिछे गए हुए थे तो घर के पिछों आके ये तोड़ भन्न करके अंदर दाखिल होकर तो जो भी हैगा उन्होंने वालों लुट की कोशिश की गई है। हाँ जी, जो असी घर के है नहीं उन्होंने साढ़े पिछों करके कार्रवाई करी गई है चोरी की। सो अजक किन्ना घर रहना महफूज नहीं है, तुम खुद देख सकते हो कि पिछों कई जिया घटनावान फिर वापरते हैं। अगर घर छड के बंदा कुछ समय लिए बाहर जाता है तो ये अगे दरवाजा है जिसनों खोल के चोर इतने दाखिल होंगे ने। तो अगे असी तुम्हें दिखा सकते हैं आलमारी है जो पट के इतों इस दे समान पैसा आदि नकदी जो कढ़िया गया है, तो नाल ही सारा जो समान है ये भी खंडाया पिया सी। की किदां दा होर नुकसान होया वह भी आप परिवार नाल गलबात करते हैं। अंदर फिर तुहानू कि चीज़ां उन्होंने खोलियां पईयां सी? अलमारी खड़ी है, पेटी पई है, होर अटैचियां वगैरह पईयां ने अंदर जी। उन्होंने सिर्फ अलमारी खोली है, अलमारी का थल्ले वाला लॉकर खुला था जी। ए अलमारी दे विच कोई बारी फसा के कोई सरिया या कुछ तिखी चीज़ फसा के उन्होंने इहनू खोल के इस बारी के उपरले खाने के कैश पिया था जी। अच्छा, वो 10,000 रुपया नकदी दी, तो कुछ कैश साडा जो असी गिणिया नहीं, तो तकरीबन सानू आइडिया है जी 15,000 भी हो सकता, 16 भी हो सकता, वो तो जी वो सारी नकदी चक लै गए, बाकी होर साडा सोना वगैरह कुछ नहीं रह गया जी। अच्छा, जिवें कि लॉक लग्या होया सी इहनू पुट्टिया गया, पुट के ये घट्टो घट फिर जिवें तुसीं दसदे कुछ जिवें बेटी ने जाना सी सगना का पैसा जो तुहाडा 20-25 हज़ार का, तो वह नकदी चुक ले गई है। हाँ, तकरीबन शगना का पैसा मिला के सानू उम्मीद है जी 25,000 रुपया नकदी सी साड़ी, वो जो चक के लै गई चोर उन्होंने वालों। एक अलमारी पुट्टी गई, होर जो समान से इधर पिया दस रहे हैं ये भी सारा पुट्टिया गया उन्होंने वालों? हाँ, उन्होंने जो समान बाहर पिया था जी बिस्तरे वगैरह कपड़े वगैरह वो सारे खंडाते जी उन्होंने, वो तो जाने तोड़ भन्न ज़्यादा एक मेन गेट की और एक इस अलमारी की की गई है, होर ज़्यादा तोड़ भन्न नहीं साड़ी की गई। सो तुसीं देख सकते हो कि किवें आके अज पिंडां दे विच जिथे घर छड्ड के कई कई दिन लोग चले जांदे सी उत्थे भी अज ओ हालात शहरां वर्गे बण गए ने कि कोई भी आके बेखौफ घरां दे विच दाखल हुंदे आ ते लुट्ट मार वधण दा कारण आपां सब तो ज़्यादा नशे नूं मन्निया जा सकदा, क्योंकि अजकल नशा पिंडां दे विच वधदा जा रहा, नशेड़ियां नूं अपनी पूर्ती नहीं हो रही। किते ना किते ये आपां जरूर सरकारां दी ढिल मन्नांगे कि इस ते नकेल पैंदी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल जी, ज़्यादा नशेड़ियों का कम है जी, महंगे नशे करते हैं, ये पैसा घरों इन्हों मिलता नहीं, होर कितों ये कमाई कोई करते नहीं, तो आम घर खाली घर आ के शेरेआम चोरी करते हैं जी, ये भन्न तोड़ करके
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਿੰਗਲ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SIO ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸੁਰ ਸੁਰਾਗ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਜੇ ਡੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ? ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਉਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਘੁੰਮਦੇ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਡੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜ ਛੂੜ ਕੀਤੀ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚ ਕੁੱਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਡੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਚੋਰੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।